नमस्ते आलोक सर, द ज्ञान जराट के शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो। सर, बांग्लादेश में इतना कुछ हो गया, मतलब उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना जल्दी इतना कुछ हो जाएगा। मतलब सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शेख हसीना जी की जो सरकार है उसके ऊपर खतरा तो है, लेकिन इतना जल्दी फटाफट से सब कुछ होगा ये अनएक्सपेक्टेड था। तो जब आपने सर ये सुना तो फर्स्ट रिएक्शन आपका कैसा था? देखिए, बहुत चिंता का था और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब हमने सुना कि शेख हसीना देश छोड़कर चली गई है और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, तो ये बहुत ही चिंता की बात थी। क्योंकि मैं बांग्लादेश में कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो आवामी लीग सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सांसद थे और आवामी लीग से जुड़े हुए थे। तो ये तो साफ बात थी कि जिस तरीके के वहां पे हालात थे उनमें उन सब की जानों माल को खतरा था, तो इसलिए चिंता होनी स्वाभाविक थी। और जब ये पता चला तो मैंने उन सबको संदेश भेजने शुरू किए ताकि पता चले कि उनकी कुशलता का एक संज्ञान लिया जा सके कि वो लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं है, हम कुछ उनकी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि मदद करने में हमारी जो कैपेसिटी थी वो काफी लिमिटेड थी, बट फिर भी एक मानवता के नाते ये आवश्यक था कि हम अपने जो मित्र हैं उनसे पता करें और उनका हाल चाल पूछें। सर, मतलब अब बांग्लादेश के अंदर नई सरकार, मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट बन चुकी है, तख्ता पलट पूरी तरीके से हो चुका है। शेख हसीना जी बांग्लादेश से बाहर है, हाल फिलहाल तो मेरे हिसाब से भारत में ही है, अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो उनकी किसी को भी नहीं पता। सर, जब तक ये नहीं हुआ तब तक तो सभी को कंफ्यूजन था कि इसके पीछे कौन है, मतलब कोई चाइना बोलता रहा, कोई यूएसए बोल रहा था, बट मेरे हिसाब से अब तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि पूरे घटनाक्रम के पीछे वेस्टर्न पावर्स का ही मेजोरिटी हाथ है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप डिस्क्राइब करिएगा। तो मेरा आपसे सर सवाल ये है कि एक तो इसके पीछे वेस्टर्न पावर्स वाकई में आपको लगता है कि वेस्टर्न पावर्स है या नहीं है, और अगर है तो ये सब कुछ करके इनको क्या मिला, मतलब ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब भी भारत के पड़ोस में कुछ चीज होती है और उसमें जो उथल पुथल होती है उसमें अगर भारत के हितों पे असर पड़ता है, तो हमारे यहाँ एक मीडिया और एक जो सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं जो आज की तारीख में सबसे बड़े भू राजनीतिक विशेषज्ञ बन गए हैं, वो सबसे पहले चीन की ओर उंगली उठाते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत और चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा है और हमारे बीच युद्ध भी हो चुके हैं, पर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं देखी जाती और जीरो सम गेम भी नहीं होता। तो जहां तक सवाल शेख हसीना की सरकार का था, उसको भारत भी समर्थन दे रहा था और चीन भी समर्थन दे रहा था, और उसके दोनों ही राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध थे, दोनों ही राष्ट्रों के साथ उनके व्यापारिक संबंध बहुत सुदृढ़। सवाल यहाँ पे पश्चिमी देशों का था और पश्चिमी देश जो थे उनसे कुछ नाराज चल रहे थे, कुछ इसलिए कि उनको ये लगता था कि जिस तरीके से चुनाव कराए गए उसमें जनतांत्रिक भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान नहीं किया या प्रमुख विपक्षी दल को लड़ने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड किया गया, इसलिए नाराज थे। दूसरा, शेख हसीना और उनकी सरकार ने कुछ पश्चिमी देशों को कुछ कड़े जवाब दे दिए थे। जो पश्चिमी देश जो दुनिया को अपनी जो भी वो तकरीर देते हैं वो ये सोचते हैं कि दुनिया उसको माने, वो इस तरीके की जवाब की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, विशेषकर बांग्लादेश जैसे राष्ट्र से जो व्यापार के ऊपर काफी हद तक निर्भर है। और इस कारण विशेषकर अमेरिका जो है, बांग्लादेश की सरकार जो है, शेख हसीना की जो सरकार है, उससे काफी नाराज था और वो काफी हद तक कोशिश कर रहे थे कि ये सरकार हट जाए। लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक और चीज है कि वहां पे करीब एक बड़ा तबका है जो एंटी लिबरेशन फोर्सेस का है, ये करीब 20 से 30% के बीच में है। मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो ऐसे तत्वों से ज्यादातर जुड़ी नहीं है। ये वो तत्व थे जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था, रजाकर्स थे और जो पाकिस्तान समर्थक थे, तो ये तत्व हमेशा थे। और मेरे ख्याल से पश्चिमी ताकतों ने ISI के माध्यम से इन तत्वों को एक्सप्लॉइट करके एक जो आंदोलन था उसका प्रयोग किया सरकार को गिराने में। और हमें यहां समझना चाहिए कि बांग्लादेश की जो सेना है
वो पाकिस्तान की सेना की तरह नहीं है, और किसी भी सेना, किसी भी राष्ट्र की सेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण आता है जब उसको ये निर्णय करना होता है कि वो अपने ही देशवासियों पे गोलीबारी करे या ना। और जब वो निर्णय सेना लेती है कि अब इसके आगे हत्या और नरसंहार जो है देश के हित में नहीं है, तो क्रांति होती है। और वही बांग्लादेश में हुआ है, जिस दिन सेना ने ये निर्णय लिया कि वो अब गोलीबारी नहीं करेगी लोगों को रोकने के लिए, छात्रों को रोकने के लिए, उसके बाद छात्र राजधानी के अंदर शामिल हो गए। और फिर तो वही हुआ जैसा श्रीलंका में हो रहा था, बस उससे कुछ बेहतर हुआ, शेख हसीना उसके बाद निकल गई। और उसके बाद जो एक स्थिति आई वहां पे, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, और इसको हमें समझना चाहिए। विशेषकर जो हिंसा थी वो सबसे ज्यादा पुलिस वालों के खिलाफ, क्योंकि पुलिस को ऐसा समझा जा रहा था कि शेख हसीना की सरकार का एक हिस्सा थे, अंग थे, और अधिकांश पुलिस वाले जो थे आवामी लीग के समर्थक थे या उनके कारण उन पोजीशंस पर आए थे। और तो और छात्रों के बीच तो ये भी प्रोपेगेंडा किया गया कि ये पुलिस वाले जो हैं रॉ एजेंट्स हैं। और जब ये क्रांति या रेवोल्यूशन जो भी कहें आप ये हो गई, तो जो पुलिस हेडक्वार्टर्स था, मुख्यालय था, वहां से ये आदेश दिए गए पुलिस वालों को कि आप अपने हथियार जमा करिए और जाइए। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य था कि पुलिस वालों को उनका जो शस्त्र थे वो उनको ले लिया गया, निशस्त्र कर दिया गया, और उसके बाद वो वर्दी छोड़कर वो अपने गांव की तरफ जाने लगे, और जो भी पकड़ में आ गया, जो भी जहां आया, उसकी बड़ी निशंसता के साथ हत्या की। अब पुलिस के अभाव में जो था कि एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, और जो भी हिंसक दल थे उनको एक छूट मिल गई। जेल से कई जो कैदी थे वो छूट गए, जमात के जो कार्यकर्ता थे जो अभी तक छुपे बैठे थे, दबे बैठे थे, उनको एक खुले वो मिल गया। और उन्होंने उस वक्त कोशिश की कि आवामी लीग के समर्थकों पर हमला किया जाए, और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों पर हमला किया गया, क्योंकि जमात की जो विचारधारा है उसमें अल्पसंख्यकों का ज्यादा रोल नहीं। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अधिकांश अल्पसंख्यक जो थे आवामी लीग समर्थक थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आवामी लीग जो थी एक धर्मनिरपेक्ष, काफी हद तक सेक्युलर पार्टी थी, और उसका जो नेतृत्व था वो अल्पसंख्यकों का समर्थन करता था। और अगर आप देखेंगे पिछली 2-3 संसदों में जो अल्पसंख्यकों की जो हिस्सेदारी थी वो जनसंख्या में उनके अनुपात से ज्यादा थी। और अगर आप देखें पुलिस के अंदर भी, विशेषकर वरिष्ठ अधिकारियों में और इंस्पेक्टर लेवल पे, मेरे ख्याल से काफी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक थे। लास्ट टाइम अभी थोड़े समय पहले उन्होंने दीप हलदार सर के साथ में जब पॉडकास्ट किया था, तो दीप सर ने भी मुझे बताया था कि बांग्लादेश के अंदर पुलिस में भी हिंदू और अदर अल्पसंख्यकों के लिए अच्छे खासे पद हैं, दिए जाते हैं उनको, आर्मी में भी है, और ये सब उन्होंने एक बार बताया था। देखिए पुलिस में ज्यादा थे, आर्मी में दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद से हिंदू उस संख्या में नहीं गए जिस संख्या में उनसे अपेक्षा की जाती है। क्या कारण थे कहना, तो मैंने कई बार हिंदू मतावलंबियों से कहा कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इस देश की सशस्त्र सेनाओं में योगदान दें, और ये आवश्यक रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से है, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं है, पर उस संख्या में नहीं है जिस संख्या में उनसे अपेक्षा, विशेषकर उनकी एजुकेशनल जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है वो बेहतर होने के बावजूद वो सेना में मेरे ख्याल से बाद में नहीं गए। मैंने उस जनरल दत्ता के बाद किसी और हिंदू अफसर को मेजर जनरल की रैंक तक जाते हुए सुना नहीं। उसके बाद 71 की लड़ाई में जो मेजर दत्ता थे वो बाद में मेजर जनरल तक बने थे, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश बने थे हिंदू, ऐसा नहीं था कि अल्पसंख्यकों के साथ। और हकीकत यह है कि जब बाबरी मस्जिद का को ध्वस्त किया गया था तो हजारों मंदिरों पर हमला हुआ था, उसकी तुलनात्मक तरीके से इस बार सिर्फ 10 मंदिरों पर हमला हुआ, लेकिन हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये भी हमें समझना चाहिए कि जब बांग्लादेश की जनसंख्या में आधिकारिक गणना के अनुसार 8% हिंदू है और अनौपचारिक गणना के अनुसार करीब 11% है, ऐसा माना जाता है हिंदू संगठनों का ऐसा मानना, तो हमको ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 100 लोगों की हत्या हुई, लेकिन अगर 100 लोगों की हत्या होगी तो उसमें 2 हिंदुओं का होना मेरे ख्याल से ये एक औसतन चीज है। अगर 100, क्योंकि अगर उनका प्रतिशत
10% के करीब है, तो ये उस प्रतिशत से कम है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टीज को टारगेट किया गया है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, और उन लोगों को जो आवामी लीग के समर्थक थे, क्योंकि कई जिलों में अगर आप देखोगे तो आम आदमी लीग के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे या जो सांसद थे वो हिंदू थे, कई जिलों में आपको, और उनको, उन पर हमला होना स्वाभाविक था जो आवामी लीग के उच्च पदों पर थे उनके ऊपर, और वो लोग कई लोग और जो बड़े बिजनेसमैन थे उनके ऊपर भी हमले होने, जो प्रोमिनेंट लोग थे, ये हर जगह होता है, जो व्यक्ति जो प्रोमिनेंट होता है उसकी प्रोमिनेंस के कारण लोगों को पता चलता है कि वो किसका समर्थक है, क्या विचारधारा है, और उनपे कई बार हमला होता है। जैसे आपने देखा एक एक्टर की मृत्यु हो गई, उसके फादर की मृत्यु हुई, तो ऐसे कई लोगों के साथ हुआ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हालांकि कई जगह ये बात माननी पड़ेगी कि छात्रों ने मंदिरों को गार्ड किया, कई जगह आपने देखा होगा कि मंदिरों के आगे छात्र खड़े हैं कि दंगाइयों को रोकने के लिए, एक आध जगह जमात ने भी कुछ इस तरीके का वक्तव्य दिया है कि मंदिरों को हमें बचाना है और हमें करना चाहिए। अब जमात ये क्यों कर रहा था, दिखाने के लिए कर रहा था या दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम जो है षड्यंत्रकारी नहीं है, ऐसे भी वक्तव्य आए। लेकिन उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि 2-3 दिन तक एक ऐसा पावर वैक्यूम था जो आज भी मेरे ख्याल से एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से नहीं आ पाई है, 200 से ज्यादा पुलिस थाने जला दिए गए हैं, फूंक दिए गए हैं। तो पुलिस, अगर एक नए पुलिस चीफ की नियुक्ति की गई है, उसने पुलिस को वापस आने के लिए कहा है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसमें कितने पुलिसकर्मी वापस आए होंगे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक कि यातायात व्यवस्था को स्टूडेंट्स और जमात के एक्टिविस्ट चला रहे थे। तो ऐसे हालात में एक पावर वैक्यूम तो है ही है, और उसमें जो अल्पसंख्यक जो कमजोर है बेचारे वो और ज्यादा निरीह हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी भी कई खबरें मिली हैं कि अड़ोसी पड़ोसियों ने अपने मित्रों को शरण दी है और उनको बचाने की पूरी चेष्टा है। नहीं, बट जैसे मेरे पास भी काफी सब्सक्राइबर बांग्लादेश से हैं मेरे भी, तो उनमें से बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए, फोन भी आए, कुछ ने बोला हम लोग सेफ है लेकिन हमारे रिश्तेदार रिलेटिव जो है वो उनको परेशान किया जा रहा है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आम हिंदुओं के ऊपर भी हमला हुआ, जो पदों पे नहीं है, जो कोई अमीर नहीं है उनके ऊपर भी हमला हुआ, ऐसे भी बहुत सारे केसेस निकल के आए। बिल्कुल, मैंने बताया ना, जब पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो जो क्रिमिनल्स थे, जो असामाजिक तत्व थे, जो सबसे कमजोर तबका था और जिसके पास पैसे भी थे और संपन्न भी थे और कुछ हद तक वल्नरेबल भी थे, तो उन पे हमले किए गए, क्योंकि उनको बचाने वाला कोई नहीं था, ना पुलिस थी, ना आवामी लीग थी, ना कोई था, तो वो एक निरी थे। इसमें मैंने बताया कई जगह प्रॉपर्टीज पर हिंदुओं की हमला हुआ और प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया गया है, और कई बार हिंदुओं को अपने घरों को छोड़कर शरण लेनी पड़ी, ऐसा है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि सोशल मीडिया में इस वक्त ऐसे ऐसे वीडियो दिखाए जा रहे हैं जो मेरे ख्याल से आज से 10 साल पुराने थे, 15 साल पुराने थे, जब बाबरी मस्जिद के टाइम जो दंगे हुए थे या जो पुराने दंगे थे उसके वीडियो पता नहीं लोगों ने कहां कहां से इकट्ठे कर करके अभी सोशल मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वो अभी हुए हों। तो ये मेरे ख्याल से कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो भी हो एक चीज हमें समझनी चाहिए, बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है और भारत का के लिए उसकी मित्रता बहुत आवश्यक। और मेरा ये भी मानना है कि शेख हसीना भले ही आउट हो गई हो, आवामी लीग पूरी तरह से बाहर नहीं है, आवामी लीग के काफी समर्थक हैं, करीब 25-30% लोग आज भी आवामी लीग के समर्थक हैं, उनको संगठित करने की आवश्यकता है, चूंकि नेतृत्व विहीन हो गई है, वो जो है इस वक्त छिन्न भिन्न हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आवामी लीग का जो काडर है वो एकत्रित होगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा, इस वक्त जो है जो सत्ता है ढाका में उसमें 3 गुट हैं जो सत्ता के लिए परस्पर संघर्ष कर रहे हैं। एक सेना है जो रिलेटिवली कमजोर है, सेना बांग्लादेश की सेना उतनी ताकतवर नहीं है, वो कैंटोनमेंट के अंदर है, वो बाहर ज्यादा नहीं दिख रही है, उसने भी कुछ अपने 2-3 कैंडिडेट्स जो अभी अंतरिम सरकार बनी है उसमें है। जो सबसे बड़ा कुक है, जो अभी सबसे अधिक प्रोमिनेंट है, वो छात्रों का संगठन है, और उसमें उन्होंने अपने अधिकतर जो लोग बने हैं इसके नेतृत्व में, यहाँ तक कि मोहम्मद यूनुस का नाम भी छात्रों के द्वारा ही रिकमेंडेड। तो ये जॉसलिंग हो रही है। इसके अलावा एक तीसरा गुट है बीएनपी का, जो सोच रही है कि स्वाभाविक तौर से जब आवामी लीग चली गई तो अब बीएनपी की सरकार बननी चाहिए। लेकिन बीएनपी के पास समस्या ये है कि बीएनपी के पास काडर नहीं है, उसके पास समर्थन है पर जो डेडिकेटेड काडर होता है वो नहीं।
और इसलिए बीएनपी को जो है जमात के कार्डर्स पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो वो जमात के कार्डर्स का प्रयोग कर रही है, और जमात के कार्डर्स का प्रयोग करने का मतलब जानते हैं कि जमात और उसकी विचारधारा जो है वहां पे प्रभुत्व पर आएगी, ये उनकी कोशिश है। यही सर मेरा अगला क्वेश्चन, मतलब मेरा अगला पॉइंट यही था सर कि ये जो जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हुआ, मतलब शेख हसीना जी जब तक बांग्लादेश के अंदर थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं जमात को कंट्रोल कर रखा था, है ना। अब शेख हसीना जी चले गए हैं, पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और इस पावर वैक्यूम में जो जमात वाले हैं, हर किसी को कहीं ना कहीं जमात वालों का सपोर्ट लग रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से जमात वाले एक बार फिर से जीवित हो जाएंगे, और इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो रेडिकल विचारधारा है जो कि पाकिस्तान की विचारधारा से मिलती है, वो विचारधारा बांग्लादेश के अंदर फैलेगी, और अगर ये विचारधारा बांग्लादेश के अंदर फैलती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान ना सिर्फ भारत बल्कि हमारा ये जो साउथ इंडिया का और ये जो मतलब साउथ एशिया का इलाका है, इस पूरे इलाके को उठाना पड़ेगा। देखिए पहली चीज तो ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जमात एक प्रतिबंधित संगठन था शेख हसीना की सरकार के। अब ये अंतरिम सरकार ने जमात के लोगों को बुलाया, उनसे बातचीत भी की, तो उनको एक तरीके से लेजिटिमेसी, वैधानिकता जिसे कहते हैं, वो प्रदान की गई। तो ये एक समस्या की बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जमात को वैधानिकता जो दी जा रही है वो। साथ ही साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि जो छात्र संगठन है उन्होंने काफी हद तक कोशिश की है कि अपने मूवमेंट को अपॉलिटिकल रखा जाए, अराजनैतिक रखा जाए। उन्होंने कोशिश की कि कोई भी राजनैतिक दल का ओपनली जो सदस्य हो वो अंतरिम सरकार में ना आए, इस तरीके की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन ये समझना चाहिए कि छात्र संगठन एक बहुत बड़ा संगठन था, इसमें कुछ हद तक छात्र लीग के भी लोग थे, जो आवामी लीग के मेंबर वो भी कई सदस्य थे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा तबका जो था इस्लामिक छात्र शिविर का था, जो जमात का छात्र संगठन है, क्योंकि बीएनपी का छात्र संगठन कोई है नहीं ज्यादा बड़ा, तो इस्लामिक छात्र शिविर के काफी बड़े, तो छात्र संगठन के अंदर भी जमात का एक काफी बड़ी घुसपैठ है, हालांकि नेतृत्व लेवल पे नहीं है लेकिन बीच में जो है उनके पास एक काफी बड़ी घुसपैठ। दूसरी एक चीज हमें समझनी चाहिए कि आवामी लीग की हुकूमत के अंदर भी काफी घुसपैठिए घुसे हुए थे, काफी ऐसे लोग थे जो जमात के सिंपथाइजर्स थे बट आवामी लीग ज्वाइन करके कर रहे थे, क्योंकि जमात तो प्रतिबंधित संगठन थी तो जमात के जो एक्टिविस्ट थे ओपनली तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो कई लोग इधर उधर घुसे हुए थे। तो ये सब जो लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि अब हम किसी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाए। इस वक्त छात्र तो जो है इस स्थिति में है कि सबको रोके हुए हैं, पर मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा छात्र जो है कमजोर होते जाएंगे, क्योंकि जब स्थिति सामान्य होगी तो ये छात्रों का जो जमावड़ा है जो ढाका में है ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। जब ये छिन्न भिन्न हो जाएगा तो छात्रों की जो ताकत है वो कमजोर हो जाएगी, तब जो अन्य शक्तियां हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करेंगी। अब इस वक्त दो ही शक्तियां बचती हैं, एक है सेना और दूसरी है बीएनपी जमात, क्योंकि आवामी लीग को संगठित होकर और एक चैलेंज देने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि हमने देखा है कि अन्य संगठन भी अब एक्टिव हो रहे हैं, जैसे हिंदू बुद्धू बौद्ध ईसाई जो संगठन है, जो माइनॉरिटीज का संगठन है, उसने भी एक प्रदर्शन किया ढाका में दिखाकर कि हम कौन है क्या है, तो ये बहुत बड़ी चीज, ऐसे माहौल पर एक प्रदर्शन कर पाना ये दिखाता है कि हाँ अब वो भी इकट्ठित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालात में संगठन में ही शक्ति है, क्योंकि पावर वैक्यूम है पूरी तरह से, जो भी संगठित है थोड़ा भी संगठित है तो वो एक पावरफुल एंटिटी की तरह निकलता है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आवामी लीग भी अब संगठित होना शुरू हो, पर उससे पहले सिर्फ दो ही शक्तियां दिखती हैं, एक सेना और एक बीएनपी जमात, और इन सब के ऊपर है वो अंतरिम सरकार जो अभी छात्रों के बलबूते पे चल रही है, पर आने वाले समय में अगर कमजोर होगी, अगर ये शासन व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाते, अगर ये पुलिस को स्थापित कर लेते हैं और पुलिस एक्टिव हो जाती है और अंतरिम सरकार जो है उसका कंट्रोल ले लेती है, तो चीजें सुधर सकती हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, पर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज की तारीख में। और इसलिए आवश्यक है कि भारत ही नहीं बल्कि जितनी भी धर्मनिरपेक्ष और जो सेक्युलर विचारधारा वाली शक्तियां हैं उनके लिए आवश्यक है कि इस वक्त बांग्लादेश की सेना के साथ एंगेज किया जाए, उसको सशक्त किया जाए, और जो अंतरिम सरकार के जो नेतृत्व है जो जमात समर्थक नहीं है, जमात का उसको समर्थन हो सकता है अभी प्राप्त हो,
उनको भी सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि जमात और बीएनपी अभी तुरंत सत्ता पे काबिज ना हो पाए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि छात्र चाहते हैं कि चुनाव शीघ्र हो, उनकी कोशिश है कि ये अंतरिम सरकार जो है 2-3 साल और हो सके तो 6 साल तक चले, मतलब पूरा का पूरा एक कार्यकाल ये बिना चुनी हुई सरकार चलाए। हालांकि बीएनपी और अन्य शक्तियां ये नहीं चाहेंगी, वो चाहेंगी कि जितनी जल्दी से जल्दी चुनाव हो वो अच्छा होगा, पर जैसा मैंने कहा कि आवामी लीग को जितना समय मिलेगा वो उतना बेहतर संगठित हो पाएगी और वो कर पाएगी। और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय शक्तियां जो है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी। अभी क्या है, स्थिति ऐसी है कि कौन किससे एंगेज करे इस पे प्रश्न चिन्ह है, पर जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती है आप देखेंगे कि विदेशी जो है दूत और विदेशी पर्यवेक्षक वहां आने लगेंगे और सरकार के विभिन्न मंत्रियों से विभिन्न घटों से मिलना शुरू। सर, इसके जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पर अपन लोग बात करें, उससे पहले मुझे एक पॉइंट ये पूछना है आपसे कि ये जो प्रदर्शन हुए, इन प्रदर्शनों में लगातार ये बात कही जा रही है कि ये छात्र संगठनों के प्रदर्शन है, छात्रों ने अपनी मांग रखी है ना, लेकिन इन प्रदर्शनों के अभी एंडिंग में हम लोगों ने ये देखा कि इन लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी, उस पे ये लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। आज जो फोटो निकल गया उसमें वो दिख रहा है कि साल 1971 की जो वॉर है उसका जो मॉन्यूमेंट था जो कि एक प्राइड का सिंबल है बांग्लादेश के लिए, उसे तोड़ के पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इसे, मतलब ये पाकिस्तान की विचारधारा है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान से वही लोग नफरत करते हैं जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में रह के, और ये मूर्तियों पे पेशाब करना और उस मॉन्यूमेंट को तोड़ना, आपको नहीं लगता ये लोग हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीब का विरोध 75 के बाद से काफी हुआ। 75 की जो जब उनकी हत्या हो गई उनके बाद जो हुकूमतें आई उन्होंने शेख मुजीब का जो स्टेचर था उसको काफी हद तक कम करने की कोशिश की। हालांकि उनको फादर ऑफ द नेशन रहने दिया, बंग बंधु वगैरह रहने दिया, बट उनका जो स्टेचर था कम कर दिया। अब ये क्या है कि कुछ ऐसे वक्तव्य शेख हसीना ने दे दिए जिससे कि छात्र और ज्यादा भड़क गए। जब उन्होंने कहा कि आरक्षण मुक्ति योद्धाओं को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, रजाकरों को, तो बस उसके बाद जो है मैं रजाकर। और फिर क्या है कि ऐसे हालातों में जो हसीना विरोधी तत्व थे, जो जमात के समर्थक थे, जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा तबका जो था इस छात्र संगठन का, इस्लामिक छात्र शिविर का था, तो उनको एक ये मौका मिल गया और उन्होंने जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने करके दिखाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टैचू गिरी हुई देखी होगी आपने, टूटती हुई देखी होगी, शेख मुजीब की देखी होगी। एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो जमात जिस विचारधारा को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, उसमें मूर्तियों का कोई स्थान नहीं है। ये आप समझ लीजिए, कट्टरपंथी इस्लाम में किसी के भी बुत परस्ती या बुतों का कोई जगह नहीं है। तो ये एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था और जिसके अंतर्गत आपने देखा क्या हो रहा था, क्या नहीं हुआ और किस तरीके से हुआ। तो ये तो इसमें कोई शक की बात है नहीं कि इसमें काफी बड़ा तबका जो मैंने कहा वो जमात समर्थकों का है, और अगर लोगों ने शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी होने के कारण इस पावर वैक्यूम में जमात और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। सर, अब इसका थोड़ा सा हम लोग जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश के अंदर से ये जो कुछ भी हुआ है, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे वो कौन सी पावर है जिसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, और वो कौन सी पावर है? मतलब मेरे साथ भारत ही है, पूछना गलत है, क्योंकि भारत ही है जिसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा हाल फिलहाल तो, बट फायदा आपको किसको होते हुए नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो शॉर्ट टर्म में जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को, क्योंकि जो पाकिस्तान का मीडिया भी इस तरीके से दिखा रहा है कि भारत की बहुत बड़ी हार है, और ये है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो बांग्लादेश की लॉस को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो वो है, उनको लगता है कि शायद एक कोई और आ जाए तो हम कुछ और कोलैबोरेटिव वेंचर कर लें, कन्फेडरेशन हो जाए, फेडरेशन हो जाए। ऐसी विचारधारा वाले लोग आज भी पाकिस्तान के अंदर हैं।
तो पाकिस्तान को फायदा है, एंटी लिबरेशन फोर्सेस इस वक्त डोमिनेंट है, पूरी तरह से प्रभुत्व में नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, अंतरिम सरकार के अंदर उनका ज्यादा कंट्रोल नहीं है, सेना के अंदर उनका कंट्रोल नहीं है, बट फिर भी एक जो एनवायरमेंट देश के अंदर है वो आवामी लीग विरोधी है, तो एंटी लिबरेशन मूवमेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो बढ़ चुका है, ये बात है, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो अंतरिम सरकार के मंत्री बने हैं या जो एडवाइजर्स जिन्हें कहा जा रहा है उनमें से अधिकांश जो है अमेरिकी दूतावास के अंदर उनके नाम की स्वीकृति हुई, तो इसमें कोई शक की बात नहीं, तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो है ही है, अमेरिका एक पावरफुल देश है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, यूनुस साहब जो है नोबेल प्राइज पर रहते थे, उनको पश्चिमी देशों से हमेशा समर्थन मिलता रहा है, वो अभी भी फ्रांस में ही थे, फ्रांस से आए हैं, तो पश्चिमी देशों का भी मदद हुआ है। अब नुकसान किसको हुआ है, देखिए नुकसान उन देशों को हुआ है जिनका कि बांग्लादेश के साथ अच्छा व्यापार था, किन दो राष्ट्रों का अच्छा व्यापार था, भारत का था और चीन का था, तो इनको तो टेम्परेरी नुकसान है ही है, क्योंकि देखिए एक तो अव्यवस्था में जो है प्रोडक्शन और जितनी भी चीजें थी, जो इन्वेस्टमेंट थे, जो भी थे, सब सबके ऊपर असर हुआ। चीन ये सोच रहा होगा कि शायद अगर पाकिस्तान का प्रभुत्व हो जाए तो पाकिस्तान के माध्यम से वो फिर से वहां पे एक सुदृढ़ स्थिति में आ सकता है, हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। देखिए एक चीज हमेशा समझ लेनी चाहिए कि भू राजनीतिक संदर्भ में बांग्लादेश ही नहीं, किसी भी दक्षिण एशियाई राष्ट्र के लिए भारत का कोई भी पर्याय नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इंडिया एंड चाइना कैन डेफिनेटली नॉट बी एन अल्टरनेटिव टू इंडिया, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, और कोई अन्य राष्ट्र भी नहीं हो सकता, ये भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता है, इसको हमें समझना चाहिए। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत को भी बांग्लादेश की भौगोलिक आवश्यकता है, हम बांग्लादेश के बिना हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी हमारी नहीं चल सकती, और अगर बांग्लादेश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, पर ये एक तरफा नहीं है, दोनों ही तरफ है, ये हमारे लिए समस्या है, बांग्लादेश के लिए भी समस्या है। मुझे तो ये लगता है कि अभी जो ये जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं इसके बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस बुरी कदर हिल जाएगी कि हो सकता है निकट भविष्य में वहां एक बहुत बड़ा गहरा संकट पड़े, और आप देखेंगे जो जनता की जो याददाश्त है ना वो बड़ी कमजोर होती है, आप समय में देखेंगे कि लोग शाह शेख हसीना को वापस बुलाने की मांग करने लगे, बहुत ज्यादा देर समय लगेगा नहीं अगर जैसे ही, क्योंकि आप चाहे जो भी कहें शेख हसीना ने बांग्लादेश को कहां से कहां पहुंचा दिया ये लोग समझते नहीं। आज पर गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश की इकोनॉमी का शेख हसीना का शासनकाल, देखिए पर कैपिटा इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश आज भारत से बेहतर है, रिप्रोडक्शन रेट फर्टिलिटी रेट में बांग्लादेश का जो आज का जो है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भारत से कम है, ये इस्लामिक देशों के लिए बहुत बड़ा योगदान है, अगर बांग्लादेश ने जो किया ये इस्लामिक राष्ट्रों में सामान्यता देखने को नहीं मिलता, अगर आप ईरान तुर्की और मध्य एशियाई के राष्ट्रों को छोड़ दें तो इस्लामी राष्ट्रों में इस इतना स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या पॉपुलेशन कंट्रोल जिस तरीके का बांग्लादेश ने दिखाया है वो आपको देखने को नहीं मिलता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप ये देखिए 71 में बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थी और आज कहां पाकिस्तान और कहां बांग्लादेश जनसंख्या के मामले या अर्थव्यवस्था के मामले में, आप देख लीजिए कहां बांग्लादेश ने तरक्की की और कहां पाकिस्तान जो उस वक्त सब कुछ इनसे चूस रहा था वह कहां कहां पहुंच गया, तो वो स्थिति तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि शेख हसीना ने काफी तरक्की की आर्थिक रूप से, लेकिन हाँ इसमें भी शक की बात नहीं है कि उनकी सरकार के कई निर्णय जो थे ऑटोक्रेटिक थे, उन्होंने जनतांत्रिक जो सिद्धांत थे उनकी कई जगह अवहेलना की, यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश को देश से निकलवा दिया, भेज दिया गया, तो कुछ चीजें जो है वो मेरे ख्याल से गलत थी और इन गलतियों का खामियाजा उनको भरना पड़ा। अच्छा सर, ये जो बार बार बात निकल के आ रही है कि एक कोई टापू है जो अमेरिका वालों को चाहिए था और वो शेख हसीना जी ने देने से मना कर दिया, इनफेक्ट कल भी शेख हसीना जी के हवाले से बयान निकल के आया था, उसके बाद में आज उनके बेटे ने आके बोला कि नहीं वो उस बयान शेख हसीना जी ने नहीं दिया, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं से ये टापू की बात निकल के आ रही है, तो ये कितना आपको सही लग रहा है, और अगर ये टापू पे अमेरिका का बेस बनता है तो उसकी वजह से हमारा ये इलाका कितना इफेक्ट होगा? देखिए स्टेटमेंट तो आती है पर मुझे नहीं लगता कि उस सैन मार्टिन द्वीप का इतना भूसामरिक महत्व है,
आप इसको समझ लियो कहाँ है, वो चिटगांव के दक्षिण में है और म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा में, उससे कोई बहुत बड़ा भू राजनैतिक महत्व नहीं है, वो एक कोने में है, उससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं मिल सकता आपको। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पे एक ऐसी जगह पे अगर वो टापू मिल भी जाता तो कोई मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि वहां आने के लिए उनको एक पूरे कोने में आना पड़ता और इस क्षेत्र में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका काफी हद तक इस बात को मान चुका है कि जहां तक ये दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी का इलाका है, यहाँ पे भारतीय नौसेना और भारतीय सशस्त्र सेनाएं शांति स्थापित करने के लिए उपयुक्त साधन है और उन्हीं के ऊपर निर्भर होना है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, हालांकि शेख हसीना ने एक वक्तव्य दिया था कि एक ईसाई राष्ट्र बनाने की चेष्टा की जा रही है और ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद गैलरी को प्ले करने की कोशिश थी, जनसंख्या को, जनता को अपने साथ लेने की, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ईसाइयों की संख्या बहुत कम है। तो जो चिटगांग हिल ट्रैक्स के भी जो ट्राइब्स हैं वो अधिकतर बुद्धिस्ट हैं, अधिकतर बौद्ध हैं, कुछ है क्रिश्चियन, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन मेजोरिटी उसमें बहुत संख्या बौद्धों की है। और अगर आप क्रॉस करें मिजोरम में जरूर क्रिश्चियंस हैं और उसके थोड़ा कुछ, बट चिन स्टेट में भी मेजोरिटी बौद्धों की है, रखीन स्टेट में भी मेजोरिटी बौद्धों की है, तो ये मुझे प्रैक्टिकली ठीक नहीं लगता। हाँ, अगर उत्तर में जाते कचिन स्टेट वगैरह जहां है एक बड़ी संख्या है क्रिश्चियंस की, या करेन स्टेट है जो थाईलैंड के बॉर्डर पे है वहां है, तो वो इस इलाके से तो बहुत दूर है भौगोलिक रूप से, ये बिल्कुल भी पास। सर, शेख हसीना जी के जो शेख हसीना जी को शरण देने को लेकर जो बात हो रही है, आपको आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके ऊपर कि शेख हसीना जी को भारत में हम लोगों को रखना चाहिए या उन्हें किसी अदर कंट्री में जहां उनकी इच्छा हो मतलब वहां शरण के लिए जाने देना चाहिए? पहली चीज, जो आपका दोस्त है अगर आप उसको मुसीबत के समय साथ नहीं देंगे तो फिर आप किस बात के दोस्त, फिर दुनिया में कौन आप पे भरोसा करेगा कि आपकी इतनी अभिन्न मित्र को आप संकट के समय पे बोल दो कि भैया यहां से जाओ, तो फिर दुनिया का कौन सा राष्ट्र भारत पे भरोसा रखेगा, क्योंकि तो मालूम है कि हर वक्त समस्या के टाइम आप तो बोलोगे बाहर जाओ। आपने अफगानिस्तान में ये किया, अफगानिस्तान में जब समस्या हुई तो जो हमारे साथ थे लोग, हमने उनको अंदर नहीं आने दिया, काफी लोगों को हमने वीजा देने से मना कर दिया, और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। अभी बांग्लादेश के साथ भी ऐसा हुआ कि जो लोग शरण चाहते थे उनमें से कईयों को हमने शरण नहीं दी, ऐसी हमने कोई पहल नहीं की, हमारे समर्थक विशेषकर जो उच्च पदों पर आसीन थे, जो अवामी लीग के मंत्री थे और जिनकी जानो माल को खतरा था, उनके भी हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम उनको। देखिए, सवाल ये है कि हाँ, हमारी और बांग्लादेश के बीच में एक्सट्राडिशन ट्रीटी है, कल को अगर वो केस करें या कुछ करें तो उसके लिए भारत कोई ना कोई तरीका निकाल सकता है। कई ऐसे दुनिया के राष्ट्र जो भारत के कहने से शेख हसीना जैसे नेता को शरण दे सकते हैं। वैसे तो वो चाहती होंगी कि शायद वो यूके या यूएसए चली जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ही राष्ट्र इस वक्त उनको शरण देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र, जैसे मैंने कहा, इस सो कॉल्ड क्रांति में उनका दोनों का कुछ हद तक तो योगदान था। लेकिन दुनिया के कई राष्ट्र हैं जो ऐसी प्रभावशाली यशस्वी नेता को शरण देने के लिए तैयार हों, और भारत कई जगह कर सकता है। हम चाहें तो श्रीलंका से बात की जा सकती है, हम चाहें तो मॉरिशस से बात की जा सकती है, इनमें से कहीं पे भी इनको शरण दी जा सकती है। और हमारा जो एक्सट्रेडिशन का जो वो है, वो भी जब है जब लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड कोई कोर्ट उनके ऊपर कोई केस फाइल करे, और उसके लिए भी अभी तो काफी समय लगेगा अगर न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इस्तीफा देने के लिए बोला गया है, तो मुझे तो लगता है पूरी न्यायपालिका भी इनकी ध्वस्त हो जाएगी। उसके बाद जब तक न्यायपालिका सुदृढ़ होगी होगा तो उसमें समय लगेगा, पर इस वक्त तो हमें उनको पूरा समर्थन देना चाहिए। और ये बात आप मुझसे लिख के ले लीजिए, अवामी लीग वापस आएगी, अवामी लीग के समर्थक आज भी हैं, और वो मेरा भी यही असेसमेंट, मेरा भी मैंने भी इस पे अभी तक जितनी बात की हर बार मेरा भी यही असेसमेंट निकल के आया। मेरे को भी ये लग रहा है कि ये लोग वापस आएंगे, वापस लेके आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के मतलब मेरा सर मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के लोगों ने इतना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा, एक गोल्डन पीरियड उन्होंने अपनी इकोनॉमी का देखा, और आज ये जो प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन में इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी कंट्री को डिस्ट्रॉय किया है, यहाँ से उभरने में इन्हें पांच से छह साल आराम से लग जाएंगे। अब पांच से छह साल सर बहुत लंबा समय होता है, ऐसे इतना लंबा समय जनता बैठ नहीं सकती ना, क्योंकि एक आंदोलन के बाद क्या उनको फटाफट से चेंज देखना
होता है, तो चेंज नहीं दिखेगा तो ओबीसी बातें वापस से डिमांड क्रिएट हो जाएगी शेख हसीना जी के लिए और एक रास्ता खुल जाएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो क्या है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी हैं वहां और परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होगा पर अच्छे के लिए नहीं होगा, दो चार चीजों में जरूर थोड़ा उनको हो सकता है अच्छा लगे पर अर्थव्यवस्था जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो और ज्यादा मुश्किल होने वाली है, और जब ये मुश्किल होगी तो लोग, अब प्रदर्शन का रास्ता तो खुल गया ना। आप ये देखोगे कि जब एक क्रांति होती है तो फिर उसके बाद क्रांतियां होती रहती है, जैसे एक सीरीज हो जाती है, जहां पे मिलिट्री कू होगी वहां पे कूज होती चली जाएंगे। अगर जैसे आप देखें बांग्लादेश में जब बंगबंधु की हत्या हुई उसके बाद दो चार साल तक वहां सैनिक विद्रोह होते ही रहे, अधिकांश असफल हुए, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, पर होते रहे, कंटिन्यूअसली होते रहे वहां। तो ऐसी स्थिति हो जाती है क्योंकि एक बार जब आप दरवाजा खोल देते हो ना तो फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। वही यहाँ पे अब प्रदर्शनकारियों ने सत्ता बदल दी है तो अब अगर कल को उनको नहीं होगा तो फिर छात्र सड़कों पर आएंगे क्योंकि अब एक रास्ता खुल गया है। तो अब ये समस्याएं होने वाली हैं, अगला एक दो तीन साल बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल होने वाले हैं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। सर एक अंतिम प्रश्न और पूछूंगा आपसे, अब ये जो कुछ भी हो गया है ये तो हो गया है और अभी हाल फिलहाल तो बांग्लादेश के अंदर एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बन चुकी है, ये सच्चाई है, और ये जो टेम्परेरी गवर्नमेंट है इसके ऊपर वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लुएंस है। तो अब यहाँ से अगले कुछ सालों के लिए भारत को किस तरीके से कदम उठाने चाहिए और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए पहली चीज तो ये है, जो अस्थायी सरकार है वो भारत विरोधी नहीं, ये एक प्रोग्रेसिव सरकार है, एक पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, इसमें जो अधिकांश लोग हैं वो काफी तकनीकी रूप से सक्षम है, पढ़े लिखे हैं और वेल मीनिंग है, हो सकता है उनके पास अनुभव की कमी हो पर वेल मीनिंग है। तो भारत सरकार को पहली चीज तो इनके साथ एंगेज करके रखना चाहिए, यूनुस साहब और की मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं उनके साथ काफी एंगेजमेंट होना चाहिए। दूसरा सेना के साथ, मेरा ये मानना है कि सेना के साथ जो एंगेजमेंट है उसको और भी ज्यादा सुदृढ़ हमें करने की आवश्यकता है इस वक्त। सेना को, सेना प्रमुख के साथ हमारा एंगेजमेंट कंटिन्यूअसली होना चाहिए, शासन के इन दोनों घड़ों के साथ हमारा एंगेजमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ हमें शेख हसीना की मदद से कोशिश करनी चाहिए कि आवामी लीग फिर से संगठित हो वहां पे बांग्लादेश में, इसकी भी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जब भी चुनाव हो तो एक आवामी लीग एक सुदृढ़ पार्टी के रूप में वहां प्रस्तुत मौजूद है। ये बात। अच्छा सर एक अंतिम प्रश्न ये छोटा सा रह गया था, ये जो मतलब जिस तरीके से आर्मी ने शेख हसीना जी को निकलने के लिए पूरा स्पेस दिया, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी ऐसे माहौल में भी, और शेख हसीना जी को निकलने दिया, सुरक्षित भारत तक पहुंचाया, आपको क्या लगता है सर आर्मी ने ये गेट ओपन रखने के मकसद से किया भारत के साथ? देखिए आर्मी, देखिए उस समय तक शेख हसीना नेता थी, आर्मी चीफ भी उनके अपॉइंटी है, आर्मी में भी काफी लोग समर्थक थे और काफी बड़ी संख्या जो है आवामी लीग समर्थकों की है, और मेरे ख्याल से ये उचित था कि उन्होंने उनको इस्तीफा, हालांकि मेरे ख्याल से बेहतर ये होता कि शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश में किसी ऐसे क्षेत्र में चली जाती जहां वो ज्यादा सुदृढ़ थी, आवामी लीग का ज्यादा समर्थन था और वहां रहकर लोगों को एकत्रित करती, लेकिन हो सकता है जो सेना ने ठीक समझा हो उस समय उनको लगता अलगा हो कि व्यक्तिगत सुरक्षा उनकी जो है आवश्यक है, क्योंकि ये भी हमें समझना चाहिए कि व्यक्तिगत सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से शेख मुजीब के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था इन दो बहनों को छोड़कर, उसके बाद व्यक्तिगत सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब तक शेख हसीना है, जो आवामी लीग समर्थक है वो एक रैलिंग पॉइंट है उनके पास, हालांकि कई लोग जिनको मैं बांग्लादेश में जानता हूँ वो बड़े दुखी थे कि शेख हसीना ऐसे टाइम पे छोड़कर क्यों चली गई, पर मेरे ख्याल से कभी कभी बाहर जाके जान बचाना जरूरी है, अगर जान ही चली जाएगी तो फिर कैसे होगा सब कुछ। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तूफान में जो पेड़ झुक जाते हैं ना वो तूफान के जाने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं, जो खड़े रहते हैं वो अधिकांशतः उखड़ जाते हैं और मर जाते हैं, तो इसलिए कई बार जो है झुकना भी आवश्यक होता है। तो मेरे ख्याल से शेख हसीना का भारत आना, एक हमारी मित्र आज हमारे देश में आई, हमारे लिए इससे बड़ी और गौरव की चीज क्या होती है कि उन्होंने भारत को ही एक ऐसी जगह चरणदास समझा जहां पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, पर ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए, हमको इस बात में गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे एक पड़ोसी राष्ट्र
की नेता हमारे यहाँ शरण ले रही है। और एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए, कई लोग नक्शे को देखकर बांग्लादेश को एक छोटा राष्ट्र समझते हैं, पर ये समझ लीजिए दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राष्ट्रों में से है। आप ये समझ लीजिए, ये बांग्लादेश छोटा राष्ट्र नहीं है, बांग्लादेश से बड़े राष्ट्र गिनती के हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश राष्ट्र बांग्लादेश से छोटे हैं। तो कई बार नक्शा जो है गलत एक इंप्रेशन दे देता है, पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या है बांग्लादेश का। तो ये बात है, आप आए, आपने इस मुद्दे पे बात करी, अपने जनता को मतलब मेरे व्यूअर्स को आपने अच्छे से समझाया, रोशनी डाली, और बहुत सारे मेरे हिसाब से पॉइंट हैं जहाँ पे लोगों के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वो मेरे हिसाब से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। सर आप आए, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा, लोगों को ऐसी बातें सामान्यतः अच्छी नहीं लगती, लोग ऐसी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं जो भड़काऊ हो, जो बोले हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर मैं तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, और जो सोचने समझने की इच्छा रखते हैं उनके लिए सोचने के लिए मैंने कुछ आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो वास्तविकता के ऊपर और किसी भड़काऊ या टीआरपी गेन करने के लिए नहीं। नहीं सर, और जरूरी भाई, लास्ट में वास्तविकता से ही दुनिया चलेगी और उसी से आगे बढ़ा जाएगा। काल्पनिक चीजों से तो दुनिया चलने से रही, चलेगी तो वास्तविकता से ही। सो वास्तविकता पे लास्ट में हमको बात करना तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल बात करेंगे, करना तो ही है। ठीक सर, आप आए, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।